Hello friends, welcome to Two and Cuisine. शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। आज हम वेज कलौटी कबाब बनाएंगे। यह एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्टार्टर है, जो कि घर में रखे हुए सामान से बहुत कम समय में आसानी से बन जाता है और चाहे बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत ही भाता है। जब भी कोई गेट टुगेदर हो या हो कोई फेस्टिवल, आप इसको जरूर बनाएं कि यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत ही लगता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। यह मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, जिनको बॉयल करके ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बॉयल करके मैश किया हुआ राजमा मिला देंगे। अब इसमें पनीर का पानी निकाल के उसको क्रम्बल करके मिला देंगे। इसको अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लें। ध्यान रखें, आलू और राजमा हमको सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है। ज्यादा बॉईल ना करें, नहीं तो उसमें पानी भर जाएगा। देखिए, हमारा यह मिक्सचर बिल्कुल ड्राई है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपको अपना मिक्सचर वेट लग रहा है तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से कॉर्नफ्लावर को मिक्सचर में मिला लें। देखिए, हमारा मिक्सचर कितना फर्म रेडी हुआ है। हमको बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और एक बॉल मिक्सचर का लेकर उसको पैटी का शेप दे दें। इसी तरह सारे कबाब बना लें। हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। मैंने एक पैन गरम होने रख दिया है। अब इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और उसको गरम होने दें। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कबाब फ्राई होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर तेज आंच पर सिकने देंगे। एक तरफ से सिक जाने के बाद इसको किसी फोर्क या चम्मच की सहायता से धीरे से पलट दें। अब गैस का फ्लेम स्लो करके इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लें। हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आइए इन्हें निकाल लेते हैं।
अब हम इनको सर्व करेंगे। थोड़ा बारीक कटा हुआ सैलेड लेकर फैला दें और अनियन रिंग साइड में लगा लें। अब इसके ऊपर कबाब्स को प्लेस कर दें। दही वाली चटनी और धनिया पत्ती से गार्निश कर सर्व कर दें। क्यों दोस्तों, लग रहे हैं ना मजेदार? अगर आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching 2 & Cuisine.